स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्रिया पढ़ाएंगे। हम प्राणी कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम सब अनेक कार्य काम करते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना पढ़ना, पढ़ाना खेलना, सोना रोना हंसना आदि। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे सब क्रिया कहलाते हैं। क्रिया में कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे राम साइकिल चला रहा है, क्रिया की जा रही है। आसमान में चांद निकल आया, क्रिया स्वयं हो रही है। क्रिया का वाक्य में प्रयोग होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। राम साइकिल रहा है, आसमान में चांद है। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सौ सात, कर्मक की यानी कर्म के साथ क्रिया का होना, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ मोहन करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ी क्रिया। सीमा आम लाई, सीमा करता है, आम कर्म है, लाएगी क्रिया है। सकर्मक क्रिया से हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और बिना कर्मक कर्म के यानी कर्म के बिना, जैसे वह पढ़ रहा है, वह करता पढ़ रहा है, क्रिया। बच्चा रोया, बच्चा करता रोया, क्रिया। अकर्मक क्रिया से हम कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? धन्यवाद।